हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिग्गज मार्केट लीडर है जो मिड साइज सेगमेंट में कंपनी आती है, और ये फिनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जो एक समय ज्यादा बात नहीं, एक समय का मतलब कम से कम मैं अगर बोलना चाहूँ तो 2017-18 में इसका प्राइस 320 और 22-25 रुपए था, 325 रुपए के आसपास था। और उस समय उसने लो बनाया था करीब करीब 75 रुपए या 77 रुपीज के आसपास। फिर वहां से इसमें अभी काफी ज्यादा जान आई और अच्छी रिकवरी आई, और उस सेगमेंट में ये स्टॉक काफी अच्छा मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज उस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ हम जानेंगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या आपके ये स्टॉक्स में कुछ दमखम नजर आता है। वो सारी बातें हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा स्टॉक मजा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे जरिए डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं, जहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन हो रहा है, तो आप जाकर ओपन करा सकते हैं, और आपको मिलती है हमारी तरफ से एक टेक्निकल एडवाइस फ्री। और टेक्निकल का मतलब यह है कि हम आपको फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक्स के बारे में बताएंगे और उसके में ट्रेड करने की रणनीतियां बताएंगे। और अगर आप अकाउंट नहीं कराना चाहते हैं तो आप हमारे जरिए दूसरी तरीके से, हम दूसरा भी प्रोसेस है हम जिसमें जूम में हम कुछ प्रीमियम मेंबरशिप प्लान देते हैं, वहां पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ये चार्ट मैंने लगा रखा है, और ये चार्ट है एक, जैसे कि मैंने बताया है कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको मैं थोड़ा सा आपको ये हिंट दे सकता हूँ। और ये हिंट ये है कि ये कंपनी जो है इसका जो कॉम्पिटिटर है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत मतलब जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो भी है, और उसका कॉम्पिटिटर बजाज फिनांस है, जो कि एक कह सकते हैं कि फिनांस के सेक्टर, फिनांस सेक्टर जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फिनांस फिनेंशियल सर्विसेज में वो नंबर वन है, या इसको अगर मैं हाथी बोलूं तो हाथी से कम नहीं है एक्चुअली बजाज फिनांस। तो सोचिए इसका मुकाबला इससे है, और इसका मुकाबला आपका एसबीआई कार्ड से है, इस कंपनी का मुकाबला एसबीआई कार्ड से भी है और मुथूत फाइनेंस से भी है। ये तो आपको पता लग गया है कि ये कंपनी जो है फिनेंस सेक्टर में है, तो आपको ये तो जान गए होंगे, और कुछ लोग जो कि प्राइस के हिसाब से भी आपको पता लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं, जब प्राइस सेगमेंट की बात करें तो देखिए मैंने इसमें वीकली चार्ट लगा रखा है, और वीकली चार्ट पे हम आपको प्राइस सेगमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए बहुत ही क्लियर एक इंडिकेशन ये है कि इसने 2000 ये जो डेट आ रही है 2018, ठीक है 2018, यानी कि मात्र 2 साल पहले की बात है, और उसने 325 रुपए का आसपास हाई बनाया था, और फिर इसने गिरावट आई थी, और उसने देखिए फिर 2018 में ही 5-6 महीने के बाद यानी जुलाई में, तो जुलाई में फिर इसने 218 220 रुपए का हाई मार के वहां पे एक रेजिस्टेंस यानी इसने फेस किया था। तो यहाँ पे फिर देखा जाए रेजिस्टेंस फेस किया और उस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद इसमें गिरावट काफी आती रही है। लेकिन हालांकि जो है 2018 के अक्टूबर के बाद इसमें फिर थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद इसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। और ये कोरोना की बात है, ये कोरोना का मतलब मार्च में ये स्टॉक का प्राइस 77 रुपीज के आसपास था, फिर वहां से थोड़ी अच्छी खासी इसमें रिकवरी आई, और रिकवरी काफी अच्छी आई है, और ये रिकवरी इसमें एक मोमेंटम बना रही है, और वो मोमेंटम शायद ये आगे की लेवल को कुछ दिखाना चाहती है। तो इसके लिए हम आपको वनडे का चार्ट लेकर के आए हैं, और वनडे के चार्ट पे हम आपको यहाँ पे आपको कुछ हरकत होती हुई नजर अगर आ रही है तो वहां पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए वनडे के चार्ट पे एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि ये प्राइस 170 रुपए, यानी कि अक्टूबर से इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी बनी हुई है, और ये आपको ग्रीन कैंडल आपको नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे यानी कि कुछ दिनों के पहले बाद यहाँ पे अभी गिरावट आई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपसाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये नजर आ रहा है कि ठीक है, कहीं ना कहीं ये इसमें स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हरकत होती हुई दिख रही है, और ये स्टॉक्स आपको मोमेंटम भी दिखा रहा है। तो आरएसआई देखते हैं, आरएसआई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
71 का होने के बाद, यानी वनडे के चार्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर इसने लो बनाया था 51 का, फिर यहाँ पे इसने 61 का, यहाँ पे अभी मजबूती के साथ RSI खड़ा हुआ है, और वीकनेस भी देखिए MACD में थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए देखिए हम कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी एक्चुअली हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और कंपनी के अगर हम यहाँ पे जो अगर ये देखते हैं पैरामीटर और वन शॉट एक नजर डालते हैं कंपनी पे, तो वन शॉट नजर ये आता है कि कंपनी जो है एक मिड लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि मिड साइज की एक लार्ज कैप कंपनी है, करीब करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट वैल्यू है, और इसका जो करंट प्राइस आज की डेट में 7179 है, और कंपनी ROE काफी अच्छा 9% का इसने रिटर्न दिया है, ROC 5% है, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है और जो 128 रुपए है, और कंपनी की जो पी वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है, यानी कि पी वैल्यू एक तरीके से 17 है, और इसका अगर इसके कॉम्पिटिटर जो कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिटर मैं आपको बात करूं तो बजाज फिनेंस का पी वैल्यू करीब करीब 50 रुपए है। तो अभी ये नजर आता है कि इस स्टॉक्स में ऊपर जाने की कैपेबिलिटी मुझे ज्यादा दिखती है, क्योंकि इसका पी वैल्यू इसके कॉम्पिटिटर के पी वैल्यू से काफी कम है। बट लेकिन ये भी देखना चाहिए क्या इसका जो मार्केट सेगमेंट है, क्या इसका जो बिजनेस मॉडल है, क्या वो बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनको कहीं दिखता है। तो मेरे ख्याल से उनके नजर में तो अभी इनका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा उनसे वीक है। तो फिलहाल लेकिन अभी जो आज को यह टारगेट अगर हम देखें तो ये टारगेट हमको कंपनी को काफी अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चलिए हम देखते हैं, जहां पे हर बार की तरह तो इस बार भी हम जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालेंगे, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे प्रमोटर के पास 51% के शेयर है, और ये 2020 में भी 52% के शेयर थे, 2017 की बात है, 2017 और 2020 में कंपनी ने के जो प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए। FIIs इस समय 21% में है, और जो है उनकी FIIs ने देखिए अभी कम से कम कह सकते हैं कि लगभग लगभग एक ही रेंज पे FIIs भी है, और DIIs 12% है, पब्लिक के पास 13% है, और अदर्स के पास 0.33% की शेयर होल्डिंग नजर आती है। तो कुल मिलाकर के कंपनी यहाँ पे जो है FIIF शेयर होल्डिंग पैटर्न में ठीक ठाक नजर आती है। तो चलिए कंपनी के कुछ बैलेंस शीट में देखते हैं, तो बैलेंस शीट यहाँ पे जो कंपनी का जो है रिजर्व कैश काफी ज्यादा है, कंपनी के पास रिजर्व कैश 15,000 करोड़ के आसपास नजर आता है, जो कि इससे पहले और देखिए यहाँ पे काफी कम था। तो इस समय कंपनी के पास कैश काफी पड़ा हुआ है, बोरोइंग कंपनी के पास है, लेकिन लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी के पास कैश है तो कंपनी एक स्ट्रांग फंडामेंटल के हिसाब से मानी जाती है। लेकिन कंपनी के पास लाइबिलिटीज भी है, ये भी मत भूलने की बात है। तो कंपनी अगर देखिए लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है कंपनी की, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, फिक्स एसेट काफी कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा ठीक ठाक नजर आती है। तो ये तो बात हो गई कंपनी की। अगर देखिए कंपनी चार्ट में देखते हैं तो चार्ट मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो इसका प्राइस मुझे 190 रुपए 170 रुपए के आसपास दिख रहा है, जो कि हमें ये दिखाता है कि हाँ इसमें कुछ मोमेंटम हो सकता है, और उसके लिए हमें जो है वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा, और वीकली चार्ट पे हम इसका टारगेट एक बार फिर से हम देखेंगे। तो वीकली चार्ट पे अगर हम इसका टारगेट देखते हैं तो टारगेट देखिए टारगेट तो फिलहाल तो काफी ऊपर हो नजर आता है, लेकिन जो अभी का जो फिलहाल का जो मुझे टारगेट दिखता है वो 190 और 200 रुपए के आसपास नजर आता है। तो हम फर्स्ट टारगेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 190 प्लस दिखता है, और सेकंड टारगेट की बात करें तो हमें 200 रुपए नजर आते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो और अगर हम स्टॉप लॉस अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस आपको कम से कम जो है ये बनने वाला लो ये करीब आता है, देखिए इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा जो सपोर्ट इसने बनाया 122। तो यानी कि आपको स्टॉप लॉस अगर काफी डीप लेते हैं तो अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे 160 रुपए का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको स्टॉप लॉस 160 रुपए का लेना पड़ेगा, काफी ठीक ठाक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी लेवल पे हो सकता है इसमें गिरावट आ सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अगर फाइनेंस सेक्टर में है, लेकिन फिनांस सेक्टर में देखिए अभी आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 5 जनवरी को जो है एक सीनेट की मीटिंग है, और उसमें कुछ बड़े कुछ फेर बदल हो सकते हैं, फिर बजट आ सकता है, तो बजट में कुछ नए निर्णय लिए जा सकते हैं। तो अभी इन जो इवेंट्स होने वाले हैं ये बिग इवेंट हैं, और ये बिग इवेंट आपको जो है ट्रैक करना है, और इन बिग इवेंट के बाद ही आपको कुछ पोजीशन बनाने के लिए सोचना है।
तो ये थी ये रणनीति, बाकी जो है आप मर्जी आपकी है, उसके बाद आप अपनी रिसर्च कर दिए और कोई पोजीशन बनाइए तो ठीक है, अपनी रिसर्च करिए ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर बार की तरह, डू योर ओन रिसर्च देन मेक एनी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए यार, सबसे पहले मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। ठीक है, धन्यवाद।